बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच प्रक्रिया में नए पहलू सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई और बिहार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की जा रही है। इसी बीच सुशांत की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी पटना पुलिस की एसआईटी ने सुशांत संग हुए हादसे को फिर से रिक्रिएट किया। जी हाँ, बता दें कि पटना पुलिस की एसआईटी शनिवार को मौका वारदात पर गई और सुशांत की कमरे में खुद की जान देने का रिक्रिएशन क्रिएट किया। सीन रिक्रिएशन एक साइंटिफिक तरीके से नतीजे तक पहुंचने का तरीका है। खबरों की माने तो अफसर बारीकी से देख रहे थे जिस कमरे में सुशांत आखिरी बार मिले, क्या वहां कोई खुद की जान दे सकता है। खबरों की माने तो अफसर बारीकी से देख रहे थे कि कमरे में आखिर और क्या क्या चीज़ें बरामद हुई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सुशांत के कुछ स्टाफ के लोग भी वहां पर मौजूद थे। खबरों की माने तो घटना के काफ़ी दिन हो चुके हैं, लिहाजा सुशांत के कमरे या पूरे घर में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिसका इस हादसे से कोई संबंध हो। पुलिस टीम ने घर के स्वीपर से भी पूछताछ की। स्वीपर ने बताया कि रिया मैडम की इजाज़त के बिना कोई भी घर में नहीं घुस सकता था। मैडम ही तय करती थी सुशांत के कमरे को साफ करना है या नहीं। खासकर सुशांत के कमरे में किसी भी बाहरी कर्मी को जाने की इजाज़त नहीं थी। एक समय ऐसा आ गया जब वो अपने ही स्टाफ से नहीं मिल पाते थे। बता दें कि फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी ने भी एसआईटी को बयान दिया। दरअसल लॉकडाउन के बाद सुशांत और रिया रूमी की फिल्म पर काम करने वाले थे। मार्च में उनकी बात रूमी जाफरी से हुई थी, तब सुशांत ने भी लॉकडाउन होने का फैसला सुनाया था और वजह बताई थी। ये सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की एक साथ पहली फिल्म थी। जाफरी ने बताया कि जब भी लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो सुशांत अपसेट हो जाते थे। तो ये है पूरा सच, जहां पर स्वीपर ने भी इस बात का खुलासा कर दिया है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती अपने इशारों पर सुशांत सिंह राजपूत को नचाती थी। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।